सोलन में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर दूसरे चरण की शुरुआत सोलन के धर्मपुर से हुई है। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहगल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएचसी धर्मपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि प्रथम चरण में 85,065 बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विभाग द्वारा दिए गए निश्चित लक्ष्य से भी ज्यादा 87,270 बच्चों को दवाई पिलाई गई। वहीं दूसरे चरण में 85,065 का लक्ष्य रखा गया था, जिसे शाम तक पूरा कर लिया गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला सोलन में 440 पोलियो बूथ, 6 ट्रांजिट, 80 मोबाइल टीमें फील्ड में काम कर रही थी। यही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में कर्मचारी तैनात किए गए थे, जो पूरे वर्ष स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई दवाइयों को रूटीन में पिलाते रहते हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर सहजल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले चरण के लक्ष्य को सफलता पूर्ण समाप्त करने के लिए बधाई दी और कहा कि पूरे देश के लिए पोलियो एक अभिशाप था, लेकिन वर्ष 1950 में देश में इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोलियो की दवा बनाकर इसे बीमारी से खत्म करने का संकल्प लिया था और 2014 में भारतवर्ष पोलियो मुक्त देश बन गया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने अपने लक्ष्य से ऊपर दवाई पिलाई है। जो है कि द्वितीय चरण की शुरुआत जो है आज यहाँ से हुई है और बड़ा उत्कृष्ट अभियान है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बचपन अगर स्वस्थ होगा और तभी देश का जो है वो भविष्य जो है वो ठीक रहेगा। तो आज इसकी शुरुआत हुई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरी सफलतापूर्वक ये द्वितीय चरण इसका जो है पूरे जिला भर में जो है ये लागू भी होगा, इसका क्रियान्वयन भी होगा और सफलतापूर्वक इसका जो है समापन होगा।